हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमएफटी रिटेल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि जैसे सपोज कीजिए, अभी बहुत लोगों के पास ऐसा है कि उनके नेटवर्क के अंदर में, मतलब उनका जो नेटवर्क रूम है उसी रूम के अंदर में उनको दो स्विच को या पर्टिकुलर एक कोई उनका राउटर लगा हुआ है CCR या कुछ, उससे वो निकाल के केबल को अपने वल्टी में अपना CCR से निकाल के उस स्विच में, मतलब इंटरनल नेटवर्किंग, मतलब आपके रैक के अंदर में ही एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं फाइबर से, तो उस समय लोग क्या करते हैं कि वो लोग नॉर्मल जो 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का सिंगल मोड SFP होता है उसी को लगा देते हैं। तो उसी का मैं सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। कुछ जगह पे हम लोग को सिंगल मोड SFP नहीं लगाना चाहिए, वहां पे हमें मल्टी मोड SFP लगाना चाहिए। प्रैक्टिकली देखिए, यहाँ पर जैसे कि ये जो ये SFP है, ध्यान से देखिए, ये जो SFP है ये 10G का SFP है, 850 nm का 300 मीटर के लिए। ये अपना मल्टी मोड SFP होता है, ये मतलब मल्टी मोड फाइबर का ही SFP होता है। इसमें जो फाइबर, ये इसमें जो पैच केबल लगाओगे, ये यहाँ पे पैच केबल जो लगेगा ये मल्टी मोड फाइबर का बना हुआ है। ये बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका आपके यहाँ पर जो फ्लोर है वो मान लीजिए जिस जगह पे, जिस रैक पे आपका लगा हुआ है, वहाँ पे दो रैक में दो जगह पे लगा हुआ है डिवाइस, और दोनों डिवाइस के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर या 5 मीटर या 2-3 मीटर का है, तो उस टाइम में आपको ये SFP लगाना चाहिए। ये अपना 10G या 1G जो भी आपका है उसके हिसाब से आप SFP को सेलेक्ट कर सकते हो, और मल्टी मोड टाइप सेलेक्ट करो जिसका 300 मीटर का रेंज होता है, और इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है ना बहुत लो होता है, 850 nm का, ठीक है। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बना रहता है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली आप देखे जाए तो सपोज कीजिए आपका एक रैक बना हुआ है, इस रैक में एक डिवाइस यहाँ लगा हुआ है, एक डिवाइस यहाँ लगा हुआ है, इन दोनों डिवाइस को आपको इंटरनेट, तो इसका एक ऑप्शन क्या है, हम लोग क्या करते हैं डैक केबल लगा सकते हैं या AAC केबल लगा सकते हैं। अब मान लो कि डैक केबल यहाँ पे क्यों ना लगा, ये क्यों लगाया जाए, तो कारण ये होता है कि डैक केबल अपना एक इलेक्ट्रिकल केबल है, मतलब ये इसमें क्या है, ये अपना मतलब फाइबर मतलब बीच में नहीं रहता है, एक SFP से दूसरा SFP जो कनेक्ट होता है बीच में फाइबर नहीं, मेटल रहता है, तो उसकी जगह पर आपको AAC लगाना होगा, AAC का दाम ज़्यादा होता है। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप अपना एक SFP कर दो, इन सब SFP का दाम 1000 रुपया 1100 रुपया के आसपास में होता है 10G का, ठीक है। 10G SFP आपको 1000-1100 रुपया मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आपको जो यहाँ से यहाँ के लिए पैच कॉर्ड यूज करना है मल्टी मोड का, वो आपको 200 या 300 रुपया के आसपास तक में मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब मिला जुला के आप समझो 2500 रुपया में आपका कनेक्टिविटी हो गया, ठीक है। और आप अगर मतलब मान लो एक रैक यहाँ और एक रैक मतलब 200-300 मीटर का भी डिस्टेंस है, तो भी आप उसको आपको ये इस SFP के थ्रू करें, ये आपका कॉस्ट जो है इस पर कम आता है। और सबसे बड़ा खासियत ये है कि टेम्परेचर आपके डिवाइस का नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको फायदा है इसको लगाने से, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई भी जानकारी चाहिए SFP से रिलेटेड या फिर नेटवर्क से रिलेटेड, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पास सभी प्रोडक्ट FTTS से रिलेटेड अवेलेबल है। अगर आपको जरूरत है तो हमारे नीचे जो नंबर दिया हुआ है 9163603252, इसके ऊपर कॉन्टेक्ट। थैंक यू दोस्तों।